तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल में उप्स क्लिप वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उप्स क्लिप वेबसाइट को कैसे ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल में। आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक दो स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपको फॉलो कर लेने हैं, 101% आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से बैक आएंगे और बैक आने के बाद अब आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रोम। क्रोम टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपके गूगल क्रोम में कोई अपडेट आया है तो आपको अपडेट कर लेना है। देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। फिर दोस्तों आपको जो है अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मतलब हमारी जो उप्स क्लिप वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है। दोस्तों आप किसी भी ब्राउजर में उप्स क्लिप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको जो है उस ब्राउजर को अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही पावरफुल ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। ये 101% काम करेगी और आप अपनी जो है उप्स क्लिप वेबसाइट को जो है ओपन कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पे हल्का सा लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉपअप आएगा, उसके बाद आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लियर डाटा, क्लियर कैच। तो सिंपली आप जो है क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे। क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों फ्री अप स्पेस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपने जो है वेबसाइट सर्च कर रखी होगी, मतलब जो भी आपने जो है कीवर्ड सर्च कर रखे होंगे सब यहाँ से जो है क्लीन हो जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है मैनेज, मैनेज पर क्लिक करेंगे और मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आप नीचे में क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देंगे और यहां से आप इसका क्लियर ऑल डाटा कर देंगे। उसके बाद आपको दोस्तों यहां पर मिलता है क्लियर ऑल डाटा, क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ये काम आपको कर लेना है दोस्तों। ये सेटिंग करने के बाद अब दोस्तों आपको जो है अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है उप्स क्लिप, ठीक है। इतना टाइप करेंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप ऊपर में आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आपको राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसलेट, ट्रांसलेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिटेक्टिव लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करके रखनी है और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी भाषा जो है हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिस भाषा में आप आसानी से जो है इस वेबसाइट को पढ़ सकते हैं वो भाषा आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे में आपको जो है इसका जो पूरा टेक्स्ट है वो आपको हिंदी में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, नमस्ते, हम आपको यहाँ देखकर उत्साहित है लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सेवा अभी आपके देश या क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, कृपया वर्तमान में समर्थित देशों और क्षेत्रों की सूची यहाँ देखें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कोई भी प्ले स्टोर से एक वीपीएन डाउनलोड कर लेंगे और इस वेबसाइट को जो है उससे कनेक्ट कर लेंगे। प्ले स्टोर पर आपको जो है अनलिमिटेड वीपीएन देखने को मिलेंगे, जिस किसी को भी आप वीपीएन को डाउनलोड करना चाहें वहां से आप कर सकते हैं और यहाँ पर इस वेबसाइट को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है आप इस वेबसाइट को आराम से यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।